कॉस्मिक बाइट नहीं रुक रहा और हम भी नहीं रुक रहे। तो आज हमारे पास कॉस्मिक बाइट एरिस वायरलेस कंट्रोलर और गेमिंग का सीजन चल रहा है और वैसे भी चैनल पे कंट्रोलर का बहुत टाइम से रिव्यू नहीं आया था और आज हमारे पास आ गया कंट्रोलर और इसकी डिमांड भाई बहुत टाइम से आ रही थी मेरे को कमेंट सेक्शन में भी और इंस्टाग्राम के डीएम्स में भी। तो फटाफट से खोल लेते हैं और देखते हैं कैसा कंट्रोलर है। 1700 रुपीज का है ये अभी इस टाइम पे कॉस्मिक बाइट की वेबसाइट पे और अमेजोन पे शायद 1800-1900 का है बट वो चेंज हो जाएगा। ये 1700 ही है इसका प्राइस। वैसे कॉस्मिक बाइट के जितने भी नए लॉन्चेस आ रहे हैं इनका बॉक्स चेंज हो चुके हैं, ब्लैक और येलो कॉम्बिनेशन इन्होंने शुरू कर दिया है बनाना, तो अच्छा है बॉक्स का कलर कॉम्बिनेशन। ये रहा हमारा कंट्रोलर, सीधा फिजिकल ऑब्जेक्ट दिखा देते हैं ना आपको। डब्बे पे क्या करोगे आप देख के, ये निकल गया हमारा कंट्रोलर, इसको रखते हैं साइड में। एक इसके अंदर से निकलता है वायरलेस रिसीवर, टाइप सी टू टाइप ए केबल, महंगी बातचीत, और एक यूजर मैनुअल आपको मिल जाएगी। तो 1700 के प्राइस में टाइप सी केबल एक बढ़िया इंप्रूवमेंट है, मतलब एक महंगी बातचीत वाली बात है, मतलब फास्ट चार्जिंग वगैरह मिल जाएगी और टाइप सी केबल से तुम्हें पता ही है चीज की एकदम वैल्यू से बढ़ जाती है। माइक्रो यूएसबी देख के तो फुल मूड खराब। और हाँ, टाइप सी केबल कनेक्शन के लिए नहीं है, सिर्फ चार्जिंग के लिए है। ये प्योरली वायरलेस कंट्रोलर है, डोंगल के थ्रू चलेगा और बताएंगे आगे क्या है इसके बारे में। अभी जरा आउटर्स वगैरह देख लेते हैं। सबसे पहले तो कंट्रोलर की फर्स्ट लुक देखो आप, है तो एक्सबॉक्स स्टाइल में बट टोटली एक्सबॉक्स जैसा है ये। और सबसे बढ़िया चीज जो मुझे लगती है, ये मैट फिनिशिंग में है, अगर ग्लॉसी होता तो ग्लॉसी से ना चीप चीप सी फीलिंग आने लगती है। सिर्फ यहाँ पे आपको आउटर लाइनिंग, यहाँ पे आपको ग्लॉसी मिल जाएगी। वैसे पूरा जो कंट्रोलर है वो मैट ब्लैक कलर का है और इससे ना इसकी ग्रिप बहुत बढ़िया है, हाथ में पकड़ने में काफी ज्यादा बढ़िया ग्रिप फील कर रहा है। और इंस्टाग्राम पे जिन्होंने फॉलो कर रखा उन्हें पता होगा एक्सबॉक्स ले लिया मैंने। अभी इसका रिव्यू आया नहीं है, अभी आएगा, और अगर आ गया होगा ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो आप में से कोई भी लोग, तो आई कार्ड में या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं एक्सबॉक्स के रिव्यू का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटली एक्सबॉक्स की तरह ही है इसका डिजाइन, मतलब जो नीचे वाला एरिया है यहाँ से अगर आप देखोगे प्रॉपर एक्सबॉक्स स्टाइल वाला है और जो साइज है वो भी एक्सबॉक्स की तरह ही है। देखो एक्सबॉक्स वाली क्वालिटी तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है 1700 रुपीज का है और ये 5,500 रुपए का आता है, बट 1700 के हिसाब से जो उसकी बिल्ड क्वालिटी है भाई वो बहुत बढ़िया लगी मुझे। मतलब अभी तक के जितने कंट्रोलर मैं रिव्यू कर चुका हूं वायर्ड वायरलेस लगभग सेम से ही होते हैं आजकल सारे ब्रांड के। अभी मैंने रिसेंटली 5 कंट्रोलर वाली वीडियो बनाई थी, उसके बाद मैंने कॉस्मिक बाइट का शायद कैलिस्टो रिव्यू किया था, उससे भी बेटर बिल्ड क्वालिटी है इसकी और प्राइसिंग भी कुछ ज्यादा नहीं है, 1700 रुपीज है। तो आपको ये कंप्लीट लेआउट में मिलता है, सारे बटन्स इंक्लूडेड है। और बात आती है इसके ट्रिगर्स की, भाई ट्रिगर्स बहुत ज्यादा बढ़िया लगे मुझे इसके। रेड गियर प्रो वायरलेस से भी अगर मैं कंपेयर करता हूं ना तो इसके ट्रिगर ज्यादा स्टर्डी हैं और जो ट्रिगर की लुक है वो भी काफी ज्यादा प्यारी है। और बाकी पीछे से आपको यहाँ कॉस्मिक बाइट की ब्रांडिंग मिल जाएगी और यहाँ पे आपको टाइप सी इनपुट मिल जाएगा। मैंने इंस्टाग्राम पे इसकी स्टोरी डालती सवाल पूछने के लिए जो मैं यूजुअली करता हूँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अगर नहीं करा अभी तक, मतलब वीडियो के बाद अभी नहीं। और वहां पे सबसे ज्यादा सवाल यही था कि रेड गियर वायरलेस प्रो से बेटर है या बेकार, क्योंकि वो भी 1600-1700 का है, ये भी उतने का ही है। तो भाई रेड गियर वायरलेस प्रो से बेटर है इसकी बिल्ड क्वालिटी भी और इन हैंड फील भी। और आगे आपको अभी काफी सारी चीजें बताने वाला हूं। अब बात कर लेते हैं इसके सपोर्ट की। ये आपके पीसी पे तो चल ही जाता है, ऑब्वियस सी बात है, ये आपके एंड्रॉइड पे भी सपोर्ट करेगा और ये PS3 पे भी सपोर्ट करेगा। और इंस्टाग्राम पे पूछा था कि एक्सबॉक्स को सपोर्ट करता है, नहीं करता। अब तो एक्सबॉक्स ले लिया, वैसे अब तो चेक कर लिया हमने, नहीं चलता एक्सबॉक्स पे ये। सबसे ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगी इस गेम पैड की लाइटिंग, इसके जो ये वाले बटन है वो 3D फील होते हैं, मतलब अंदर की तरफ है, ऊपर कुछ लेंस टाइप का इन्होंने मटेरियल लगाया, एकदम ये 3D टाइप की फील देते हैं। और यहाँ पे चारों अलग अलग लाइट चल रही है इसके अंदर और ये जो वी शेप है इसके अंदर भी लाइट जल रही है। और तुम में से बहुत लोगों का सवाल होगा लाइट बंद कर सकते नहीं कर सकते, हाँ इसमें लाइट बंद कर सकते हैं। अगर आप बैक बटन प्लस ए बटन प्रेस करोगे तो इसकी वी लाइट बंद हो जाएगी और बैक बटन प्लस एक्स प्रेस करोगे तो ये वाली लाइट्स बंद हो जाएंगी। ये वाली नहीं होगी क्योंकि ये कनेक्शन को डिनोट करती है, तो भाई इसको तो नहीं बंद कर सकते, बाकी ये वाली लाइट्स आप ऑफ और ऑन कर सकते हो, अपने सामने देख सकते हो। और एक और इंटरेस्टिंग फीचर है इसके अंदर, किन्हीं लोगों को प्लेस्टेशन वाले की आदत होती है तो डी पैड यहाँ होना चाहिए, तो हम इनकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। L3 और बैक को प्रेस करेंगे तो हमारे ये वाले बटन का काम ये वाला हो जाएगा और ये वाले बटन का काम ये वाला हो जाएगा, और फिर L3 और बैक को प्रेस करके दोबारा से हम इसमें शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये वाली चीज भी इसको काफी यूनिक बनाती है इस मामले में कि हम D-pad और एरोज की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। कभी कभी हमारे को आदत नहीं होती, हमें ऐसे करके खेलना पड़ता है, तो अगर ये वाला इधर आ जाएगा तो हम ऐसे करके आराम से खेल सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जो प्लेस्टेशन कंट्रोलर से एकदम शिफ्ट करेंगे एक्सबॉक्स स्टाइल में उनके लिए काफी बेनिफिशियल होगा ये। और इसके अंदर आपको टर्बो बटन भी मिलता है। टर्बो बटन का काम क्या है कि आप कोई भी एक बटन को टर्बो असाइन कर सकते हो। मान लो कोई ऐसा गेम खेल रहे हो जिसमें आपको एक बटन बार 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 प्रेस करना है, फॉर एग्जांपल आपको बी प्रेस करना है, तो आप टर्बो बटन और बी को अगर होल्ड करके छोड़ दोगे तो बी बटन ऑटोमेटिकली चलता रहेगा, आपको टैप करने की जरूरत नहीं है, आप उसको छोड़ दो और वो यूज होता रहेगा अपने आप। और अगर इसको कैंसिल आउट करना हो तो टर्बो बटन और बी को दोबारा से होल्ड करोगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये गेमिंग में कहीं कहीं बेनिफिट देगी आपको, मतलब सारे गेम्स में नहीं, जिसमें होता है कि बेफालतू बटन दबाने, क्यों दबाने पता नहीं, बस दबाओ दबाओ फिर। और इसके अंदर जो वायरलेस कनेक्टिविटी की रेंज है वो 8 मीटर तक है, वैसे बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि अगर मैं टीवी पे भी लगा के खेलूंगा तो 2-3 मीटर दूर बैठूंगा, उससे ज्यादा नहीं। तो वायरलेस कनेक्टिविटी के मामले में कोई टेंशन नहीं है, एकदम बढ़िया चलता है। और वायरलेस कनेक्टिविटी में ना मेरे से लेटेंसी के बारे में पूछा गया कि इनपुट लैग है या नहीं है, मतलब कितना है, तो मैंने एक लेटेंसी टेस्ट किया, जरा उस पर आप नजर मार लो।
तो आपने देखा बिल्कुल भी लेटेंसी नहीं है, जैसे ट्रिगर प्रेस हो रहा था वैसे ही गन शॉट की आवाज आ रही थी। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, अब आराम से बढ़िया गेमिंग कर सकते हो। अब आता है इस गेम पैड का की हाईलाइट, जो है इसकी बैटरी। 700 mAh की बैटरी आपको उसके अंदर मिलती है और कंपनी का कहना है कि 12 आवर्स तक आप कंटीन्यूअस गेम प्ले कर सकते हो उससे। तो भाई बैटरी बैकअप के मामले में तो एक तरफा, प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर हम इसको जज करें तो ये तो हो गई गेम पैड की पूरी बातचीत। अब शेयर कर लेता हूं अपना गेमिंग एक्सपीरियंस। मैंने इसको लगा के 2-3 गेम खेल के देखे। इसका सबसे प्लस पॉइंट जो मुझे लगा वो लगा इसका हैप्टिक फीडबैक। हैप्टिक फीडबैक इतना स्मूथ है, मैं अगर कंपेयर करूं थोड़ा बहुत तो PS4 के कंट्रोलर को टक्कर दे रहा है। एग्जैक्ट नहीं कह सकता, उससे थोड़ा सा नीचे गएंगे, बट स्टिल इसकी हैप्टिक फीडबैक बहुत स्मूथ है। मोटर्स इसमें बहुत अच्छी लगी है। रेड गियर वायरलेस प्रो या कैलिस्टो वगैरह से कंपेयर करते हैं, उनकी मोटर्स जो है ना काफी तेज मूव करती है, तो एकदम से ना गड़गड़ाहट सी महसूस होती है हाथ में। बट इसके अंदर काफी स्मूथ वाइब्रेशन है, मतलब एकदम ऐसा लगता है कि हाँ महंगी बातचीत वाला कंट्रोलर है। तो हैप्टिक फीडबैक बहुत बढ़िया है, इनपुट लैग की कोई दिक्कत नहीं है। गेम प्ले एक्सपीरियंस टोटली जो मेरा रहा वो काफी बढ़िया रहा, क्योंकि इसके जो ट्रिगर है, मेनली जो इसके ट्रिगर है, ट्रिगर की भाई क्वालिटी बहुत अच्छी है और हाथ में पकड़ के यूज करके लगता है कि हाँ एक अच्छा कंट्रोलर यूज कर रहे हैं, मतलब ऐसी चीप सी फीलिंग नहीं आती। तो बस यही था इसका पूरा रिव्यू। देखो मैं सीधी सी बात करूंगा, 1700 rupees का कंट्रोलर है, 1700 rupees में इतनी बढ़िया लुक, इतनी बढ़िया लाइटिंग और ओवरऑल बिल्कुल एक्सबॉक्स वाला लेआउट भी और एक्सबॉक्स वाला डिजाइन भी, मतलब एक एक चीज जो कॉर्नर्स एजेस हैं वो एक्सबॉक्स कंट्रोलर से मिलती है, तो डेफिनेटली आप इसके लिए जा सकते हो। 1700 में तो कोई जज करने वाली बात ही नहीं है, क्या ही कमी निकालने। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, अमेजोन का भी और कॉस्मिक पैड की वेबसाइट का भी, जहां से सस्ता मिले वहां से आप बाय कर सकते हो। लाइक मार सकते हो वीडियो को और जिसको कंट्रोलर चाहिए उसको शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय।